A very warm welcome to all my dear students. Welcome to my channel Imaginary Learner. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं integers exercise number 1.2 question number 4. Fill in the blanks to make the following statement true. Okay? So -5 + -8 = -8. तो हमें equals to के इस तरफ की value और इस तरफ की value दोनों को क्या करना है? Same करना है. Okay? So यहाँ पर भी हम लिखेंगे minus का 5. क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना. तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो एट 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 और फाइव कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा. लेकिन साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का. तो यहाँ पर भी हमें सेम लाना है. तो अगर हम यहाँ पर माइनस का 5 रखेंगे तो हमारा दोनों इक्वल आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पर -53. सो हम यहाँ पर क्या वैल्यू डालेंगे तो हमारा इस साइड का वैल्यू भी सेम आएगा, इस साइड का और इस साइड का दोनों वैल्यू सेम आएगी. तो यहाँ पर अगर मैं 0 डालूंगी तो यहाँ की भी वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ की भी वैल्यू सेम रहेगी. ओके, थर्ड 17, 17 में मैं कितना, यहाँ पर कौन सा इंटीजर रखूंगी जो यहाँ पर 0 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए. अगर मैं यहाँ पर माइनस का 17 रखती हूँ तो क्या आंसर 0 आएगा, 0 आएगा बिल्कुल, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 17 में से 17 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट फिर आता है फोर्थ. सो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 13 - 12, यहाँ पर भी 13 - 12 - 7 है, तो यहाँ पर हम डालेंगे माइनस का 7. सो यहाँ का हमारा इक्वेशन, यहाँ का ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट फिफ्थ, -4 + 15 + -3. सो यहाँ पर हम क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे जो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों सेम हो जाए. सो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस का 3. ओके, सो यहाँ की भी वैल्यू सेम हो गई, यहाँ की भी वैल्यू सेम हो गई. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. थैंक यू.